यह दौर फितन का दौर है। इस बारे में एक बात जो अभी चल रही है उसकी एक वजाहत मैं अर्ज कर दूं कि एक बात जो चल रही है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब हज से फारिग होकर वापस तशरीफ लाए, 18 जुलहिज्जा को गज़ीर खुम के मकाम पर पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ खुतबा दिया है। हज़रत ने खुतबा दिया है, उस खुतबे में यह बात इरशाद फरमाई कि मन कुंतु मौलाहु फअलीजुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। और इस बारे में यह बात कही जा रही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अली अज़रा को मौला कहा और मौला के मानी दोस्त के भी हैं, मौला के मानी सरदार और आका के भी हैं। तो यहाँ मौला के मानी दोस्त के नहीं, यहाँ मौला के मानी आका के हैं। बस इसमें दो बुनियादी बातें ज़हन नशीन फरमा लें। एक बात यह है कि खुद इसी जुमले के बाद नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है अल्लाहुम्मा वाली मम वालाहु, क्या अल्लाह, यही वो मौला का लफ्ज़ है, क्या अल्लाह के इसके मानी अगर आका के करेंगे, ऐ अल्लाह के तू आका हो जा उसका कि जिसने इसको आका माना, कि अल्लाह तू आका हो जा उसका जिसने इसको आका माना। क्या अल्लाह तबारक व ताला आका नहीं है, कि अल्लाह अब आका और मालिक बनेगा? नहीं, अल्लाह तो पहले ही मालिक है, ये मानी नहीं होंगे। ये मानी क्या बनेंगे कि अल्लाह मवाली मम वाला हो, कि अल्लाह तो उसका दोस्त बन जा, उसको अपना दोस्त बना ले जिसने इसको दोस्त बनाया। तो यहाँ मौला के मानी दोस्त के करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त हजरात साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से किसी ने ये मानी नहीं समझे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिसका मैं आका हूँ इसका ये भी आका है, क्योंकि इस बात के एक वक्त में दो आका नहीं हो सकते, एक वक्त में दो आका नहीं हो सकते। तो हाँ, जब एक वक्त में दो आका नहीं हो सकते तो इसमें इशारा ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारा आका हूँ, जब मैं वफात पा जाऊँगा मेरे बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु तुम्हारे आका होंगे। तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि मेरा खलीफा कौन होगा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। मेरे मोहतरम, ये वो बात है कि जिसका मफहूम न किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को समझ में आया, न अली रज़ी अल्लाह अन्हु को समझ में आया, न आइम्मा किराम को समझ में आया। ये मफहूम कब समझ में आया? ये मफहूम समझ में आया 351 हिजरी में। यह वाक़या 10 हिजरी का है और यह मफहूम समझ में आया है 351 हिजरी में। मोइज़्ज़ुद्दौला को, जो राफजी मज़हब से ताल्लुक़ रखता था और बगदाद के अंदर था, अब्बासी सल्तनत का वज़ीर आज़म था, उसको कब यह बात समझ में आई? 351 हिजरी में यह बात समझ में आई। तो 351 साल तक कि न ताबीन को समझ में आई, न तबाताबीन को समझ में आई, न मुहद्दिसीन को समझ में आई, तो उसको यह बात समझ में आई। और फिर उसके बाद से लेकर आज तक उलमा में किसी ने यह मफहूम नहीं लिया, और अगर यह मफहूम लिया जाए तो उससे कितनी कवाहतें जो है पैदा होती हैं। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इसका दावा नहीं किया कि मैं खलीफा बिला फ़स्ल हूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे उन्होंने बैत की और हजरत से पूछा गया कब, जब तीनों खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से चले गए, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि हजरत आपने अपनी खिलाफत का ऐलान करने की बजाय अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे बैत की, इसकी वजह क्या थी? आप नबी अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भी थे, नबी अलैहिस्सलाम के दामाद भी थे, नबी अलैहिस्सलाम के परवरदा भी थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की तीमारदारी कर रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गशी की कैफियत तारी होने लगी। हजरत ने फरमाया कि अबू बकर को बुलाओ, नमाज पढ़ाए। फिर गशी की कैफियत तारी हो गई, गशी से इफाका हुआ। फिर फरमाया अबू बकर को बुलाओ, नमाज पढ़ाए। फिर तीसरी बार ऐसा हुआ मैं मौजूद था, गैर हाजिर नहीं था, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद नहीं थे, मैं सेहतमंद था, बीमार नहीं था, कि हज़रत मुझे भी फरमा सकते थे। और एक जुमला मैं आगे खुद अर्ज कर रहा हूँ कि हज़रत बालिग थे, नबालिग भी नहीं थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अली से नहीं फरमाया कि आप नमाज पढ़ाओ, फरमाया कि हज़रत फरमाया अबू बकर को बुलाओ, नमाज पढ़ाए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की इमामत के लिए अबू बकर को मुकर्रर कर दिया तो मैं दुनिया की खिलाफत के लिए उनके हाथ पे बैत कैसे ना करता? तो मालूम हुआ कि ये मफहूम मन कुंतु मौलाहु का मानी सरदार और आका का मफहूम ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी नहीं समझे, कि वो भी ये कहते हैं इसके मानी दोस्त के समझे, अगर वो इसके मानी आका के समझते तो कहते कि हज़रत मेरे बारे में
ये फरमा गए हैं, लेकिन इन हजरात ने मेरे हाथ पे बैयत नहीं की, इसे मैंने मजबूरन बैयत की अबू बकर के हाथ पे। ये नहीं कहा, कहा कि जब हजरत ने नबी अलैहिस्सलाम ने जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दीन की इमामत के लिए मुकर्रर कर दिया तो मैं दुनिया की खिलाफत के लिए उनके हाथ पे बैयत कैसे ना करता। तो मालूम हुआ कि यह मफहूम हजरत ने भी नहीं समझा, किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं भी समझा, और किसी ताबी और तबा ताबी हमें से किसी ने नहीं समझा। समझा तो किसी ने समझा, मखसूस मजहब वाले ने समझा। 351 हिजरी में जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात 40 हिजरी में हो गई, उनकी वफ़ात के भी 311 साल बाद यह मफहूम समझ में आया। और आज फिर दौरे हाजिर के अंदर बाद हजरात की जबान से बात निकल रही है कि यह मफहूम है, तो यह मफहूम अदा करना, इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। फिर यह बात कही गई कि ना, बात यह है कि अहले तशज्जो का यह कहना कि मौला अली यह दुरुस्त है, मौला अली कहा जा सकता है, इसमें एक बुनियादी बात यह नशीन फरमा लें, वो क्या कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शक और शुबह वाली कैफियत को इख्तियार न करें। नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए, जब यह मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ के यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि 10 मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो? अभी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि हज़रत 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजात दी, फिरौन गर्क हुआ है बहरे कुलज़म के अंदर, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अगले साल, क्योंकि दिन 10 मुहर्रम का दिन था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अगले साल शुक्राने में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भाई हैं, लिहाजा हम भी उनके तरीके को इख्तियार करते हैं, लेकिन साथ ये बात हजरत ने यह बात भी फरमा दी कि देखो कि मुशाहबत हो जाएगी यहूदियत की, लिहाजा 10 मुहर्रम का जो रोज़ा रखे वो 9 मुहर्रम का रोज़ा साथ रखे। और इसमें मुहद्दिसीन ने फरमाया जो 9 का ना रख सके तो 11 का रखे, ताकि उनसे मुशाहबहत ना हो। अब रोज़ा किसके लिए रखा जा रहा है? रोज़ा रखा जा रहा है अल्लाह के लिए, इसके अंदर शिर्क का कोई पहलू मौजूद नहीं, इबादत है। इसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इबादत में भी मुशाहबत नहीं होनी चाहिए। जब इबादत में मुशाहबत नहीं होनी चाहिए तो वो लोग जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मौला कहते हैं, किस मानी में कहते हैं, वो मौला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं हाजत रवा मुश्किल कुशा के मानी के अंदर, तो ये शिर्क है। जब गैर शिर्किया इबादत के अंदर मुमासलत जायज़ नहीं, तो शिर्किया कलिमात के अंदर मुमासलत जो है वो कैसे जायज़ हो सकती है? जब वो शिर्किया मफहूम में ले रहे हैं तो आप जब इस लफ्ज़ को अदा करेंगे तो किसकी तायद होगी? इस शिर्किया मफहूम की तायद होगी, इसलिए उससे इज्तिनाब जो है वह ज़रूरी है। इन बातों से मुतासर न हो, अपने आप को इससे बचाएँ।